किरणदीप कौर हैं, चिचंडे गांव के रहने वाले हैं, जिस सिस्टर की गवाही यह है कि 12 साल से जिस सिस्टर को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और हम सुनेंगे जिस सिस्टर की गवाही को। तो सिस्टर आप बताइए कि आपको दुष्ट आत्मा से आप 12 साल से परेशान थे, तो क्या कारण था कि आप इतने 12 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे? तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानी रहती थी आपको 12 साल में? मेरा सौन नहीं दिंदा होंदा मैनू, ते अगला पासा दा बंदे दा होंदा ही ते पिछला सप्प दा होंदा ही, ते सुपने च मेरे नाल गल्लां करदा होंदा भी मैं तेरा आ नहीं कम होण देना, आ नहीं होण देना, ते इदां भी मैनू सारी रात नींद नहीं है आउंदी, नहीं ते ना इदां ही मेरे नाल गल्लां करते रहना, अखां भी मिटणे तां भी इहने सुपने च गल्लां करदे ही रहना, करदे ही रहना, कदे कोई माड़ी कई बच्चियां दे बारे गल्लां करदे रहना, कदे बेड़े दे बारे गल्लां करदे रहना, ओहदा मैं एक्सीडेंट करूँगा, ओहदे मैं नौकरी दे नहीं लगन दऊँगा। ओके, तो ये बताते हैं कि जिस सिस्टर ने लिखवाया है कि 12 साल से दुष्ट आत्मा से ये परेशान थे और इन्हें बुरे सपने आते थे और इनको सपने में छोटे बच्चे और इनके जो घर की फैमिली है वो भी दिखाई देती थी, और आपने लिखवाया है कि दुष्ट आत्मा आपको जैसे घर में होते थे, जहाँ आप घर से बाहर भी जाते थे तो वो दुष्ट आत्मा आपके साथ चलता था। ओके, तो ये बताते हैं जिस सिस्टर ने लिखवाया है कि दुष्ट आत्मा इनके साथ था और वो बातें भी करता था, हर समय इनके साथ था, पर आप जिस संगति पर आए तो आपने इस संगति में आना जब शुरू किया तो आप आपके जीवन में कैसा आपको लगा और कैसा आपने विश्वास दिया परमेश्वर को? जो संगति जो बस मैं बने ही रहे हाँ, पहला शुरू में भी मैं दुष्ट आत्मा ने घेरिया ही, तो फिर मतलब थोड़ा चिर छुपया रहा, तो हूँ मैं थोड़ा वचन पढ़िया ही, परमेश्वर ने लिखा कि जो भी अपन जीवन दिया गल्लां ना तो उन्होंने नंगिया करो, तो मतलब कोई भी चीज़ तो छुपा के रखोगे तो पाप च जे, फिर तो वह मैं वचन पढ़िया तो परमेश्वर मैं बोला परमेश्वर जो भी मेरे जीवन च हों वा ये पाप आ, तुम लिखा कि पाप वा, तो ये मैं इस चीज़ तो याद कर चुके जी, ठीक है, जो भी ये दुष्ट की चाल है सारियाँ फेल हो चुकी हैं बस। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जिस सिस्टर ने परमेश्वर को अपना मान दिया और प्रार्थना में बने रहे, जिससे संगति में आते थे और जैसे प्रभु के दास साहित कहते थे कि पाप जो हमारे जीवन में आप सब अपने मन को फिराएं, तो उस प्रार्थना को अपने परमेश्वर के आगे जैसे जे करते थे तो जे अपने मन जो इनके जीवन में पाप था, जे सिस्टर ने अपने मन को परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में पाप है तो उससे आप मेरे जीवन को बिल्कुल अच्छा कर चुके हैं, मैं इन पापों से अपने मन को फिराती हूँ, तो जैसे जे प्रार्थना करते थे और विश्वास में बने रहे। और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे जे संगति में आए तो प्रार्थना करते थे, तो पहले तो दुष्ट आत्मा 12 साल से जो परेशान करता था, तो जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे तो जिस सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। अब हम इस सीन को क्लिप को देखते हैं। चल यीशु के नाम से शैतान छोड़, जितने बीमार चल निकल, चल निकल, चंगे चलो छोड़ो हो जाएंगे, चलो 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 छोड़ो, चल शैतान मेरा ये, चल बोल क्या नाम है तेरा, मौजूद है, बोल क्या नाम है तेरा, बोल क्या नाम है शैतान तेरा, बोल क्यों पकड़ा इसे, बोल क्या नाम है तेरा, बोल क्या नाम है तेरा शैतान, वो मौजूद है यहाँ, उठाओ नहीं, वो मौजूद है यहाँ, चल छोड़ो 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 छोड़ो, वो मौजूद, चल बोल क्या नाम है तेरा, भाई वो मौजूद, चल देख सामने, चल देख, वो मौजूद, चल छोड़ 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 छोड़, चल ओ शैतान, वो मौजूद, चल है यहाँ, बोल क्या नाम है तेरा, वो मौजूद है, बोल क्या नाम है तेरा, है तेरे जितने, क्या क्या करेगा तू, रुके पास करो माइक, क्या करेगा तू, बन जाए, क्या करेगा तू, बोल क्या करेगा, मेरा ये है तेल नहीं पहुंच जाती, हाडे मौजूद तेल नहीं पहुंच जाती, अच्छा तू है कौन है भाई, मैनू दे दे, बोल क्या नाम है तेरा, मेरा नाम अकर शाह है,
मगर शाह है। तेन पता नहीं है परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर की बेटी है मगर शाह। ओए मगर इधर देख, तेरे सामने देख कौन है मगर। ओए मगर इधर देख, है क्या नहीं लगने देना तूने इसका, इसका बेटा तूने काम पे लगने नहीं देना है। तू जानता है यीशु को फिर। ओए मगर, ओ मगर शाह भाई मग्गा जी इधर देखो, इधर देख, इधर देख, अपनी आंखें खोल, देख तेरे सामने कौन है, देख तुझे परमेश्वर की सामर्थ उसकी ताकत का पता चलेगा कि बड़ा कौन है, तू है कि वो है। देख मेरी सामने देख, देख देख मेरी, अगर है तुझ में ताकत तो देख मेरी और, देख 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 मेरी तरफ, तू क्या क्या करेगा, तुझे तो मेरी तरफ देखा भी नहीं जाता। देख इधर देख, देख मेरे सामने ले, तू कुछ नहीं है शैतान, तेरा इसके जीवन में इसकी फैमिली में कोई अधिकार नहीं है शैतान। मैं खुदा का दास होने के नाते शैतान तुझे इसके जीवन से इसकी फैमिली से मैं जड़ से उखाड़ता हूं। चल राइट नाउ, उखड़ इसकी जीवन से इसकी बॉडी से बाहर आ इसी समय। चल चल, छोड़ 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 छोड़, आज से दोबारा इसके जीवन में कभी प्रवेश ना करना। जो तूने इनकी फैमिली में जो रुकावटें थी हैं शैतान, तुझे यीशु के नाम से मैं अंधकार के कुंड में फेंकता हूं। परमेश्वर मैं तेरे स्वर्गीय दूतों की सामर्थ को मांगता हूं कि इस शैतान को आज उस अंधकार के उस कुंड में ढाले और दोबारा कभी भी इसके जीवन में वो काम ना करे। खुदावन तेरी सामर्थ को, तेरी दुनामत सामर्थ को, तेरे स्वर्ग दूतों की सामर्थ को मैं मांगता हूं। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर, इस अंधकार की इस दुष्ट आत्मा को तेरे एंजल उठाएं और अंधकार के कुंड में डालें। नाउ दिस टाइम फ्री, यीशु के नाम से मैं इसे आजाद करता हूं। फ्री आउट गो, ये फ्री बोलो, इसलिए कराओ ये फ्री। तो जैसे जिस संगति पर आए प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को कमांड किया, तो आज उस दुष्ट आत्मा से फ्री है। और जिस सिस्टर ने लिखवाया है कि सिस्टर आप बताते हैं, बताओ कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी और आपका पेट कैसा रहता था। पेट मेरा भारा रहिंदा हुंदा सी, ते मतलब कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं, तो इदां लगदा हुंदा सी कि मैं बाहर निकल जाए तो फिर मेरा पेट सही होना वा। तो बाथरूम की प्रॉब्लम भी हो जाती, धड़कन भी वधन लग जाती, तो बीपी वधन घटन जा लग जाता सी। पर प्रभु नू बोलती नहीं, पर परमेश्वर च बनी, मैं दवाई भी नहीं करती कोई, मैं तेरी चाल नहीं चलन देनी दुष्टा, जो मर्जी कर ला। अब कैसे हो हुण? बिल्कुल अच्छे तो वधिया, मेरा हुण शरीर भी इदा वा कि जिवें खाली होया हुंदा, कोई चीज़ खाली नहीं होई हुंदी, बिल्कुल खाली होया। तो जे बताते हैं कि जिस दिन से जे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से फ्री हो चुके, तो जे इनकी बॉडी में जो दर्द रहता था, इनका पेट का भारीपन था, आज ये बिल्कुल उस प्रॉब्लम से टोटली फ्री हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया की गवाही के लिए।